Hey guys, good morning. रात के 12 बज रहे हैं, गुड मॉर्निंग लग रही है, दिमाग खराब है तेरा। Hey guys, welcome back to new video. And इस वीडियो में आपको हम बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं जो आपके ना इतने काम की हैं कि तुम्हारा पूरा काम हो जाएगा इससे। अच्छा, तो जैसा आपको भी पता है कि भैया टाइम ना अब इतना सा बचा है CVT एग्जाम के लिए, तो इतने टाइम में तुम इतना बड़ा रिजल्ट कैसे ले सकते हो, इस वीडियो में हम तुम्हें कुछ टिप्स वगैरह देने वाले हैं और बताने वाले हैं कुछ चीज़ें जिन्हें फॉलो करके तुम थोड़ा सा स्कोर को अपना लेवल बढ़ा सकते हो। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग ना कमेंट कर रहे थे कि भाई तुम्हारा इतना स्कोर आया, कम स्कोर है ना तुम्हारा, तो तुम्हें बेस्ट कॉलेज मिल सकता है या तो तुम्हें बेस्ट कोर्स मिल सकता है, ऐसा है बस। बेस्ट तो कोर्स चाहिए, बेस्ट कॉलेज चाहिए, बेस्ट स्कोर करो। हाँ, जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं उन्होंने तो भाई पूरा निपटा दिया होगा, अपना सिलेबस वगैरह जो भी है सब कुछ कंप्लीट कर लिया होगा, तो उनको तो भाई में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है क्योंकि उनने सब कुछ लगा के रखा होगा पहले से, मॉक टेस्ट वगैरह, सीरीज वगैरह, क्वेश्चन आंसर कैसे आएंगे ये सब पता होगा। बस तुम जो लास्ट का टाइम आने वाला है उसमें लाइव क्लासेस अटेंड करते रहना, निकल जाएगा तुम्हारा। तो मेन चीज़ तो भाई उनकी आ रही है कि भाई उन्होंने तो जिनकी नैया डूब रही है, जिन्हें तो भाई अभी स्टार्ट भी ना किया या फिर लास्ट के टाइम पे सोच रहे हैं स्टार्ट करने की, भाई चूत पढ़ लेते हैं कुछ। बेसिकली मेरे जैसे लोग, मैंने भी लास्ट में, तेरे जैसे भी, मैंने भी लास्ट से नहीं पढ़ा। हाँ, लास्ट में हमने पढ़ा था और लास्ट में लगभग 2 महीने, बस 2 महीने में भी इतने टाल मटोल किए थे ना, लगभग 1 महीना हमने पढ़ाई की थी, वो भी थोड़ा अच्छे से सीरियस हो गया कि भाई कॉलेज मिल जाएगा यार, पढ़ ले थोड़ा सा ऐसे करके। तो वो हमारी जैसी कंडीशन होगी, तो उनके लिए कुछ टिप्स वगैरह हम बता देते हैं जैसे हमने फॉलो की थी हमने। सो भाई सुन लो भाई कि लास्ट टाइम पे तुम्हें क्या करना है, तो बताने वाले हैं हमारे ऋषभ भैया, फिर उसके बाद थोड़ा हम भी आपको आइडिया देंगे। लास्ट टाइम जब कुछ नहीं बचता तो सबसे पहले फ्लो चार्ट देख लो, अपने शॉर्ट नोट्स तुम्हारे खुद बनाए हो तुमने, लगता नहीं बनाए होंगे वैसे, स्टार्टिंग में नहीं बनाए होंगे, नहीं बनाए होंगे तुमने, ठीक है, तो खुद के तो होंगे नहीं, तो यूट्यूबर जो प्रोवाइड करा देते हैं वो देख लो या फिर ऑनलाइन मिल जाते हैं वो देख लो, शॉर्ट नोट्स देखो, फ्लो चार्ट्स देखो, लाइक थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा बेसिकली, और चाहो तो यूट्यूबर्स की शॉर्ट्स वीडियो देख लो, जो शॉर्ट वीडियोज रहती हैं 1 घंटे की, 1 चैप्टर की रिवीजन हो जाता है जिसमें, ऐसा देख लो और फिर लग जाओ मॉक टेस्ट पे। द मॉक टेस्ट इज द की टू स्कोर 800 out of 800 In the last time. अगर अच्छे से पढ़ोगे तो, yep. और हमारे जैसे पढ़ोगे तो भाई कितना ही स्कोर कर दोगे तुम लास्ट टाइम पे भाई कितना ही कर दोगे, बस तुम्हें ये लगेगा कि भाई कॉलेज मिल जाए, बस इतना स्कोर हो जाए कॉलेज मिल जाए। तो मॉक टेस्ट पे लग जाओ अभी से, क्योंकि तुम जितना ज्यादा सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आइडिया लग जाएगा, क्रॉस क्वेश्चन किस तरीके से क्रॉस होंगे, लाइक किस तरह से घुमा के पूछे जा सकते हैं, तुम्हें आइडिया लग जाएगा, जो क्वेश्चन तुम्हें ना भी आ रहे हो, समझ ना आ रहे हो, उन्हें रट लो भाई, एंड टाइम है, रट लो भाई, क्या पता सेम क्वेश्चन आ जाए, लिख दो, तो वो जो 4 नंबर वहाँ बढ़ेंगे ना वो सीरियसली ज़्यादा इफेक्ट करेंगे। तो जो तुम्हारा सिलेबस है ना उसको जल्दी से कवर करने के लिए भाई यूट्यूब पे वीडियोस बहुत सारी पड़ी है ना, उसको देखो, MCQ टाइप में, MCQ बेस पे, मतलब क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट निकाल के सब कुछ बता रहे हैं ना, तो वहाँ से पढ़ना। तुम लगभग 10 से 20 मिनट की एक वीडियो देखेगा ना टॉपिक की, तो लगभग दिन में तुम कितनी भी बहुत सारी वीडियोस देख सकते हो, तो आराम से कवर हो जाएगा सिलेबस। तो जो दूध में से मलाई निकाल के दिए ना तुमने, तुम्हें मतलब तुम्हें दिए है ना टीचर्स ना, यूट्यूबर्स, हाँ, तो उसको खाओ ना यार, तुम क्यों फालतू में दूध निकालने बैठ रहे हो, ऐसे दूध निकाल रहे हो, हाँ, इतना टाइम नहीं है ना अपने पास, मेन चीज है भाई टाइम। अब बारी आते वो मिडल वाले भाई, उन्होंने करके रखा है और डाउट में भी है कि भाई क्या होगा, थोड़ा बहुत निकल भी जाएगा कि नहीं निकल आया, इतना सारा पढ़ लिया है, कुछ रह नहीं जाए मुझसे जो ऐसा आ जाए एग्जाम में जो मैं पढ़ाई नहीं हो, तो भाई उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम अपने जो लाइव क्लासेस होती हैं यूट्यूब पर लगती रहती हैं लाइव क्लासेस और मॉक टेस्ट वगैरह जो हैं MCQ वगैरह हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेना बस, जो तुम एग्जाम में बैठोगे ना रिलेटिव एग्जाम में क्वेश्चंस तुम्हारे वही होंगे, सारे क्वेश्चंस तुम्हें ऐसे के ऐसे मिलेंगे, मतलब उसी पैटर्न पर बेस पर, तो प्रैक्टिस कर लेना जिससे तुम्हें अलग ना लगे कि भाई ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन, ये कैसे टाइप का आ गया, ऐसा तुम्हारा सेंटर के आ जाएंगे एडमिट कार्ड आ जाएंगे तो तुम्हें सेंटर प्रोवाइड होगा और सेंटर पर जाके तुम कंप्यूटर पर बैठ के भाई टेस्ट दोगे, जो तुम मॉक टेस्ट दोगे ना NTA की साइड पर फ्री वाले पड़े हैं ना वो प्रैक्टिस लगा के देख लेना, सेम वैसे ही तुम्हें टिक करना होगा, वैसे ही तुम्हें चूज करना होगा आंसर, वैसे ही तुम्हें हटाना होगा, मतलब जो भी एक बार ट्राई करके देख लेना NTA के पे। तो ये हो गया भाई मिडल वन के लिए, तो कन्फ्यूज मत रहना, कॉन्फिडेंस रहो भाई,
क्योंकि लास्ट टाइम पे ना फाड़ दोगे भाई, हमें पता है तुम फाड़ दोगे। तुम हवा बना के रखा है ना सीबीटी को भाई, वो कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है भाई, सिंचन देख रहे हो। ओए होए ओए होए, ठीक है। लाइक मेरे कुछ जूनियर्स बोल रहे थे कि मॉक टेस्ट इतने हार्ड हैं, हिल नहीं रहे या हिल रहे हैं, तो कुछ होते हैं जो स्कोर 180 नहीं जा रहा, 160 तक ही अटक जा रहा है, 170 तक अटक जा रहा है, ऐसे हम 700 प्लस स्कोर कैसे करेंगे हिंदू के लिए वगैरह वगैरह लोग बोल रहे थे। तो देखो ऐसा होता है कि जो मॉक टेस्ट होते हैं ना, वो टफ बनाए जाते हैं ताकि करने वाले को लगे कि हाँ कुछ चीज़ बना के दी है पब्लिकेशन वालों ने। हाँ। ठीक है, जैसे मैं करता था ना, मैं तो साइंस बैकग्राउंड से हूँ ना, तो सीरियसली 20 में से 10 नहीं हिलते थे। ठीक है, तो लगता था कि भाई सीबीटी तो होने से रहा। ठीक है, पर जब वहाँ देने गए, लाइक जो अपना सीबीटी देने गए, वहाँ इतना हार्ड नहीं आता है। लाइक हार्ड था ऑब्वियसली, साइंस बैकग्राउंड तो हार्ड था वो, ठीक है, बट इतना हार्ड नहीं होता उसका जो लेवल होता है, वो मॉक टेस्ट से तो इजी होता है। जैसे कि अगर आपने बोर्ड्स एक्सपीरियंस करे हो, उससे ना भाई बहुत इजी रहता है। बोर्ड्स में जैसे सैंपल पेपर हार्ड आता है, बट जो एक्चुअल बोर्ड होता है वो इतना हार्ड नहीं रहता अगर तुमने सीरियसली सही से पढ़ लिया है। तो सिमिलर केस सीबीटी में भी होगा, मॉक टेस्ट ज़्यादा हार्ड हैं, लेकिन कुछ जो पब्लिकेशन जानबूझ के हार्ड बनाते भी हैं, तो उसका इतना इशू मत करना कि वी स्कोर, अगर तुम्हारा वी स्कोर 170 हो रहा है तो मान के चलो 10 तो बढ़ ही जाएगा, एटलीस्ट 10 नंबर तो एटलीस्ट बढ़ जाएंगे सीबीटी में। बिल्कुल, बट एक कंटिन्यू करते रहो, ऐसा छोड़ मत दे रहो कि तुमने मान लो सोचा कि 180 स्कोर करना है, अब 170 आने लगा, ओके तो डन छोड़ दो, ऐसा मत करना, कंटिन्यू रखना अपनी प्रैक्टिस। और भाई ऐसे जो धुरंधर होंगे, जो मॉक टेस्ट को भी हिला रहे होंगे, तो भाई वो कुछ भी हिला सकते हैं। वो तो भाई वो तो भाई फिर नॉर्थ कैंपस को भी हिला सकते हैं। हमें भाई बैक बेंचर तो ज़्यादा टेंशन तो हम लेते नहीं है, हम मुड़ा भाई एक ही जिंदगी है, ओके मुड़ा दो वाला सीन रहता हमारा। पीते नहीं है कमेंट मत कर देना, ठीक गंदी बात। तो मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं कि हमने फ्लैट चेंज कर दिया है और हम इनके साथ सेटल हो गए हैं। हम तीन जने हैं, मैं रामजस, ये हिंदू, अबे साले कभी, एक सत्यवती वाले भैया है, वो हम तीन जने हैं। तो हमने बेसिकली फ्लैट ले लिया है और बहुत ही प्यारा फ्लैट है और कॉलेज के पास में, लगभग 15 मिनट लगती हैं कॉलेज से यहाँ तक आने में। तो मैं भी भाई बता देंगे, हम बहुत ही जल्द हॉस्टल की और Q&A की वीडियो भी आएगी, उसमें ना बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया और आपके बहुत ही अच्छे से आंसर दिए हैं हमने। फ्लैट वगैरह जो PG वगैरह होता है उनके ऊपर भी हम एक प्रॉपर वीडियो लेके आएंगे, उसमें एकोमोडेशन के ऊपर जानकारी देंगे कि तुम जब दिल्ली आओगे, शिफ्ट करोगे वहाँ से अपने घर से यहाँ तक, तो भाई कैसे मैनेज करोगे, हमने कैसे मैनेज किया, हम अपना एक्सपीरियंस बताएंगे और तुम भी भाई हमारी तरह मजे मारो। तो भाई देखो, ये तो भाई होगी डोमेन्स की बात, तो अब आते हैं भाई, देखो जो लोग लैंग्वेज प्रिपेयर कर रहे हैं अपनी, वो लैंग्वेज कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, और जो GT प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी थोड़ा बहुत आइडिया दे देते हैं भाई, तुम कैसे अच्छा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो लैंग्वेज अगर तुमने हिंदी ली है तो टेंशन है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है भाई टेंशन। मैंने हिंदी सिर्फ इतनी पढ़ी थी जब लाइक मैं अपने शहर से आगरा गया था मेरा सेंटर, तो जो ट्रैवलिंग टाइम था ना उतने में मैंने बस हिंदी पढ़ी थी सीरियसली, बाकी जो पुराना ज्ञान था वही ज्ञान था। और कुछ कवियों के क्वेश्चन आ गए थे, कुछ काल के आ गए थे, जैसे आदिकाल, भक्ति काल वगैरह वगैरह, तत्सम तद्भव शब्द आ गए थे, कुछ पर्यायवाची आ गए थे, अलंकार वगैरह। बहुत इजी पेपर था हिंदी का। बट इंग्लिश का ही मेरे जो दोस्तों ने बताया था कि लाइक उन्हें कुछ नहीं पता था, मेरे दोस्त बता रहे थे कि शिप्रा मिश्रा से थोड़ा बहुत पढ़ के गए थे और जितना पढ़े गए थे उसमें उनका अच्छा खासा हो गया था लैंग्वेज का। जैसे मैं बताऊँ अगर अपना एक्सपीरियंस हिंदी का, तो भाई हिंदी ना मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, जब मैं एग्जाम देने गया था ना तब भी मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, मैं हिंदी का एग्जाम अटेंड भी नहीं करने वाला था, ये सीन था भाई मेरे साथ, हिंदी का एग्जाम मैं छोड़ने वाला था, लेकिन वो मैम की वजह से मैंने हिंदी का एग्जाम अटेंड किया, क्योंकि मैंने टाइमर चालू कर दिया था क्वेश्चन देखने के लिए कि भाई इसमें क्वेश्चन कैसे हैं। तो वो टाइमर स्टार्ट हो गया तो मुझे वो देना ही पड़ा भाई हिंदी का, और उसी की वजह से एडमिशन हो गया हिंदी ऑनर्स में। इंग्लिश का भाई तुम प्रिपेयर कर लेना, इंग्लिश में जैसे इंग्लिश का तुमने सिलेबस देख लिया होगा सारा, नहीं देखा ना तो भाई ये सारा सिलेबस है इंग्लिश का, हाँ तो उनमें से भाई ज़्यादातर तुमने पढ़ा होगा इंग्लिश का, जो स्टोरीज वगैरह होते हैं, पैसे वगैरह होते हैं वो आते हैं, तो वो आप उसमें से पैसे वगैरह तो कर सकते हो आराम से क्वेश्चंस देख के। पैसेज का ऐसा है कि अगर अभी जैसे मान लो 15 दिन भी बचे हैं अगर वीडियो अपलोड जब हो रही है उससे, तो आप पैसेज डेली 2 पैसेज लगाना शुरू कर दो, 2 पैसेज ज़्यादा ज़्यादा आपके आधे घंटे जाएगा, क्योंकि पैसेज लगाओगे तो स्पीड आएगी और एक्चुअली स्पीड ही चाहिए होगी आपको अपने एग्जाम में। हाँ, 2 चीज़ का याद रखना, जो अभी टाइम बचा है CUET एग्जाम के लिए,
वो उसका ध्यान रखना भाई टाइम का, और जब एग्जाम दे रहे हो ना सीयूईटी का तो भाई उसमें भी टाइम का याद रखना कि भाई टाइम कितना बचा है, क्योंकि टाइम ना भाई जब एग्जाम देने बैठोगे ना भाई ऐसे निकलेगा ऐसे जूम सामने स्क्रीन चल सामने टाइमर चल रहा होगा एक तुम्हारा 40-45 मिनट का जो भी होगा पेपर का, पर तुम ऊपर देखो तुम क्वेश्चन पढ़ोगे और तुम वो देखोगे ओके इतने 2 मिनट निकल गई टाइम बहेगा, इसलिए ना भाई टाइम को मैनेज करने के लिए ना अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। मैं जब उसमें था ना भाई जिस हॉल में एग्जाम हो रहा था सीयूईटी का उसमें था ना, तो भाई मैं तो भाई पूरा टाइम ले रहा था, मेरे से जो उतने धरंधर थे ना भाई वो लगभग ऐसे मुझे एक घंटे का समय मिला था 45 मिनट का, उन्होंने भाई 30 मिनट में पूरा करके भाई बैठे हैं वो आराम से, मैं कह रहा हो गया। अब मैं उनको ऐसे देख रहा था भाई कि ये ठीक है भाई। तो ये भी प्रोसेस हम बता देंगे तुम्हें कैसे तुम्हारा रहेगा सीयूईटी का एग्जाम जब आने वाले हैं ना, उससे पहले हम वीडियो बना देंगे पूरा प्रोसेस कैसा रहेगा, सेंटर मतलब घर से लेके एडमिट कार्ड जो भी कुछ होगा ना, सेंटर पे कैसे जाना है, क्या क्या लेके जाना है और कब एंटर करना है, कितना पहले जाना है, सब कुछ बता देंगे तुम्हें एक पर्सनल वीडियो बना के तुम्हारे लिए, ठीक है। तो भाई डोमेन हो गया, लैंग्वेज हो गई, अब बारी आती है जीटी की। तो भाई जीटी के लिए मैंने बेसिकली टेलीग्राम पर मॉक टेस्ट डाले हैं, दो मॉक टेस्ट डाले हैं अभी मैंने, और भी डाल दूंगा अगर आपको चाहिए तो उसमें से भी प्रैक्टिस कर लेना। बेसिकली आपने प्रैक्टिस तो काफ़ी कर ली होगी, वो भी कम पढ़ने वाली है, डरा नहीं रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, कम पढ़ने वाली है भाई, क्योंकि देखो जीटी में ना थोड़ा लेवल ना अलग सा ही आता है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं और बहुत सारे टॉपिक में कहीं से भी पूछ लेते हैं भाई, अब इतना तो डीप कोई भी नहीं पढ़ता, या फिर पढ़ भी लेते हैं बहुत सारे ऐसे धुरंधर होते हैं जो जीटी में भी भाई फुल में से फुल मार्क्स लेके आते हैं, वो तो पता नहीं क्या खा के भाई बुकों को खा के आते हैं, पता नहीं क्या घोल के पी लेते हैं। अगर तुम्हारे कोर्स में रिक्वायर होगा ना जीटी जनरल टेस्ट तभी तुम्हें फायदा करेगा जीटी, वरना तुम्हारे मार्क्स में मार्क्स नहीं जुड़ेंगे जीटी के, अगर तुम कोर्स में रिक्वायर नहीं होगा तो तुम्हारे यहाँ तक तो लेवल पता चल जाएगा अपना कि हम कितने पानी में जीटी से। प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री क्लासेस भी चलती रहती हैं जीटी की, बेसिकली पर्सनल जीटी की, तो वो आप ले सकते हो, वहाँ से प्रैक्टिस करना बहुत ही अच्छे से और टाइम को मैनेज करके। कमेंट करना अच्छे से जो भी आपको डाउट हो, वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी ऐसे ही काम की। अभी थोड़ा सा लेट हो रही है वीडियो, उसके लिए दिल से सॉरी। हिंदू में आके तो भाई तुम इनसे ही मिलोगे, यही रहेंगे वहाँ पे हिंदू। मैं कहाँ मिस कर रहा तुम लोगों ने, अगले साल तो मैं मेका भी यही एंजॉय कराएंगे, और इतना भीड़ होती है, इतना मजे आते हैं मेका में, बहुत मजा आने वाला है गाइस, तुम आओ अगले साल। तो मैं पहले तो तुम्हारे हिंदी वाले तो भाई ये सीनियर होंगे तुम्हारे, और राम जैसे भाई हम सीनियर होंगे आप, और वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। Bang!